अब खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जहां इमरान खान पर हमले के बाद शुरू हुई हिंसा तेज होने लगी है। हमले के बावजूद इमरान खान की पार्टी का लॉन्ग मार्च रुका नहीं है, एक बार फिर से ये शुरू हो रहा है। अब से थोड़ी देर बाद गुजरांवाला से लॉन्ग मार्च एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान पर हमले के खिलाफ उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थक पाकिस्तान के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रोटेस्ट कल शाम से लगातार जारी है। इमरान अस्पताल में भर्ती है, लाहौर के अस्पताल में उनका ऑपरेशन भी हुआ है। इमरान के पैर में दो गोली लगी थी, दोनों गोली निकाल दी गई है। इमरान खान को खतरे से बाहर भी बताया जा रहा है। अब से थोड़ी देर बाद जब पीटीआई का लॉन्ग मार्च शुरू होगा दोबारा, तो और ज्यादा हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात अब भी बने हुए हैं। इमरान पर हमले की जांच मामले में बड़ी खबर यह आ रही है कि आतंकवाद विरोधी विभाग को इस जांच सौंप दी गई है। मुख्य आरोपी नवीद को लाहौर भेजा गया है और आरोपी का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराया जाएगा, ये सूत्र बता रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इमरान खान जिस अस्पताल में भर्ती है लाहौर के, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। उनके पैर में दो गोलियां लगी थी और गोली लगने की वजह से उनकी पैर की हड्डी चटक गई थी, जिसको ऑपरेशन किया गया था, सर्जरी हुई थी कल रात। और इस वक्त इमरान खान बेहतर हैं और उन्हें खतरे से बाहर बताया जा रहा है। उनके पाँव में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, जो आप देख सकते हैं, और उनका इलाज अस्पताल में अभी चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि गनीमत रही, और शायद ये ऊपर वाले की, जो लोग कह रहे हैं कि ऊपर वाले का शुक्र है कि इमरान खान ठीक है, नहीं तो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में हालात इतने बिगड़ जाते हैं, उसको संभालना मुश्किल हो जाता। क्योंकि जब से इमरान के ऊपर हमला हुआ है, उसके बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। कराची बोलिए, रावलपिंडी बोलिए, लाहौर बोलिए, पेशावर बोलिए, हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीजें नजर आ रही है जहां पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। यहां तक कि लंदन, जहां पर कि इमरान के समर्थक है, वो भी नवाज शरीफ के घर के बाहर पहुंचे, उन्होंने वहां पर जोरदार नारेबाजी की। सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं रावलपिंडी, कराची और साथ ही पेशावर में आपको देखने को मिलेगा जो हंगामा हो रहा है। वैसे पेशावर यानी खैबर पख्तूनख्वा इलाका पड़ता है इमरान खान का, बहुत ही यहां पर जबरदस्त यहां पर उनकी पकड़ है, यहां तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इस बीच इमरान की पार्टी के नेता फवाद चौधरी ने बड़ा दावा किया। फवाद चौधरी का कहना है कि कल इमरान की हत्या की सोची समझी साजिश के तहत फायरिंग की गई थी। फवाद चौधरी ने दावा किया कि इमरान पर 9mm की गोली नहीं चली है, उन पर ऑटोमेटिक हथियार से फायरिंग की गई है। पंजाब पुलिस के मुताबिक जहां इमरान पर गोली चली, वहां से 11 बुलेट बरामद किए गए हैं। इनमें 9 पिस्टल की गोलियां, जबकि बड़े हथियार से भी गोलियां चलाई गई हैं। तो ये बड़ा दावा है फवाद चौधरी का, जिनका कहना है कि इमरान के ऊपर जो गोली चली है वो किसी ऑटोमेटिक राइफल से चली है, सिर्फ 9mm पिस्टल से फायरिंग नहीं की गई है, क्योंकि गोलियों की जो तादाद है वो ज्यादा है। उनमें से सिर्फ 9 ही जो गोलियां मिली थी, बताया जा रहा है कि वो 9mm पिस्टल की है। बाकी जो गोलियां मिली है, जो उनके खोखे मिले हैं, वो किसी ऑटोमेटिक बड़े हथियार के हैं। तो कुल मिलाकर इमरान खान के ऊपर जो हमला हुआ है, उसके बाद से इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान भी जुड़ गए हैं पाकिस्तान से। अजीम भट्ट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, इसके अलावा आफताब मुंगेरी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का स्वागत है। अजीम, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि फिलहाल वहां पर किस तरह के हालात हैं इस वक्त। देखिए, इस वक्त वैसे तो हालात नॉर्मल तब से हो गए हैं जब से डॉक्टर फैसल जो है इसकी खबर दी है कि इमरान खान जो है वो सेहतयाब है और वो अब महफूज है के बाहर, जहाँ पर इमरान खान इस वक्त मौजूद है। पर अभी बहुत आवाम जो है वो मौजूद है, पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो मौजूद है। लिबर्टी के अंदर कल रात को लेट नाइट तक जो है वो एहतजाज होता रहा है और डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जो है वो एहतजाज होता रहा है। लेकिन अब जो है वो मामला काफी हद तक जो है वो कंट्रोल में है, चूंकि डॉक्टर फैसल ने जब यह बयान दिया कि अब वो महफूज है, अब वो तंदुरुस्त है और वो ठीक है, तो उसके बाद लोगों में जो है वो गम गुस्सा थोड़ा सा कम हुआ और वो अपने घरों को गए। लेकिन अदरवाइज शौकत आनंद के बाहर जो है वो बहुत बड़ी तादाद अभी भी मौजूद है, और ये कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान आज जो है वो डिस्चार्ज अगर होते हैं तो वो सीधा लॉन्ग मार्च की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि शुरू में उनका एक बयान आया था कि कल वो 11 बजे जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे, बट 11 बजे तो वो लॉन्ग मार्च में शिरकत नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोपहर में भी अगर वो कभी ठीक होते हैं और अपने आप को तंदुरुस्त जो है वो महसूस करते हैं तो वो लॉन्ग मार्च जो है वो शुरू करेंगे। तो अभी हालात जो है वो नॉर्मल है, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो बहुत निकल के सामने आ रही है। अजीम, इस पर भी बात करें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का आपने जिक्र किया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, उस पर बात करते हैं। लेकिन आफताब को भी जोड़ लेते हैं। आफताब, जो असद उमर है उनके पार्टी के जो वहां पर जो लीडर हैं, उन्होंने तो कहा है कि जब जुमे की नमाज के बाद कहा गया कि सभी जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो अपने आप में वो तो हालात को और बिगाड़ सकते हैं। देखिए जी, वो तो माजी में भी ऐसे ऐलानात करते रहे हैं, और माजी में जब इमरान खान ने ऐलानात किए थे कि हर जो है जुमे के बाद जो है जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के बड़े शहरों में एहतजाज किया जाए, तो वो एक एहतजाज होता था, वो भी तो नॉर्मली एहतजाज था, इतना कोई बड़ा एहतजाज नजर नहीं आता था। मगर इस वक्त जो हालात हैं, जो सिचुएशन, वो चेंज है। चेंज
कल इमरान खान पर हमला हुआ है और इस एहतजाज की जो असद उमर साहब, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वहाँ तो आज ये एहतजाज हुआ है। एहतजाज के साथ साथ लोगों में और गुस्सा भी है कि कल जो हमला हुआ, इस हमले में इमरान खान वाज़ेह तौर पर अपने मुख्तलिफ स्पीचेस में बता चुके थे कि उन पर कातलाना हमला है। और इसके साथ साथ जो कह सकते हैं वो भी बात थी कि कहीं ना कहीं इमरान खान को टारगेट बनाया। तो इससे पहले के एक बयानिया जो था इमरान खान ने जो पहुंचाया था, उस बयानिए को देखते हुए लोग हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, खास तौर पर पंजाब पे अभी हुकूमत है उनकी, और इसके साथ साथ में हुआ है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में उनकी फॉलोइंग की तादाद जो है वो बहुत काफी है। तो मैं समझता हूँ कि एहतजाज जो होंगे बड़े अहम होंगे, अब उसको कैसे संभालना है ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ये तो जो सूबे हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी की किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से असद उमर जो कि पाकिस्तान यानी पीटीआई के लीडर हैं, इमरान खान के करीबी हैं, उनका कहना है कि जुमे की नमाज के बाद उन्होंने कहा कि जो भी उनके सपोर्टर्स हैं वो बाहर निकले प्रोटेस्ट करें, तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो किस कदर वो बेकाबू हो सकते हैं। बहरहाल अजीम, एक बात बताइए कि आपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का जिक्र किया था, फिलहाल जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है पाकिस्तान में क्या चल रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो हम मीडिया में पढ़ रहे हैं, आपके वहाँ पर पाकिस्तान में फिलहाल क्या थ्योरीज निकल कर आई हैं? देखिए, कल जब हमला हुआ था तो तमाम लोग बहुत इस हवाले से संजीदा थे कि आखिर इस तरह का मामला जो है वो डेफिनेटली पॉलिटिकल जो इख्तलाफात होते हैं वो भी अपनी तरफ हो जाते हैं, लेकिन तमाम लोग दुआएं करने लग गए थे और सारे मामला थे। लेकिन कुछ अर्से बाद आप एक चीज नोट करें कि सबसे पहले जो खबर दी गई थी वो ये खबर दी गई थी कि इमरान खान महफूज है और बाकी लोगों को जो है वो चार लोग जख्मी है, सबसे पहली खबर ये आई थी। उसके बाद खबरों में तब्दीली आना शुरू हुई कि सेनेटर फैसल जावेद भी जख्मी है, फिर उसके बाद खबर आना शुरू हुई कि एक पाँव में गोली लगी इमरान खान के, फिर ये आना शुरू हुई कि तीन गोलियां लगी, और फिर इमरान इस्माइल साहब जो कि फॉर्मर गवर्नर सिंध रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने यहां तक कह दिया कि चार गोलियां इमरान खान को लगी हैं, इमरान खान के पाँव में लगी हैं। और फिर उसके बाद जैसे जैसे अवाम को जो है वो इश्तियाल और इंतशार की तरफ बढ़ाते रहे, अवाम को इस बारे में जो है वो इमोशनल करते रहे, जब अवाम बाहर आ गई तो फिर ऐसा 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 रात को 12 बजे आके डॉक्टर फैसल साहब कहते हैं कि नहीं, गोली कोई नहीं लगी है इमरान खान को, तो जो है वो हड्डी जरूर फ्रैक्चर है। तो लाइक मतलब ये एक इस तरह का पूरा उन्होंने क्रिएट किया तहरीक इंसाफ ने इसको एक पॉलिटिकल स्टंट बना के, मतलब हमला तो हुआ इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है, असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई है इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, बंदा पकड़ा गया इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसको भी उन्होंने अपने पॉलिटिकल टूल के लिए इस्तेमाल किया। ये सवालात खड़े करता है कि आखिर आपने पहले सही खबर दी कि इमरान खान महफूज है, उसके बाद आपने कहा नहीं नहीं एक पाँव में गोली लग गई, फिर आपने कहा नहीं नहीं तीन गोलियां लग गई, फिर उसके बाद आप ये देखिए कि एक शख्स जो मौके पर मर गया जिसको गोली लगी, आम आदमी उसका किसी को पता नहीं है, वो बेचारा जो है वो दो बच्चों का बाप है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, इमरान खान जिनको गोली नहीं लगी उसके पीछे आपने पूरा मुल्क बंद कर दिया। फिर दूसरी बात ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि पंजाब हुकूमत जो है वो चौधरी परवेज इलाही की है, चौधरी परवेज इलाही मुस्लिम लीग काफ के जो है वो सरबरा है और इमरान खान के अलाए हैं, और वजीराबाद ये भी याद रखिए वजीराबाद के बाद ये इंसिडेंट हुआ है, और वजीराबाद गुजरात के बिल्कुल साथ है, गुजरात चौधरी परवेज इलाही का अपना शहर है, यानी कि चीफ मिनिस्टर के अपने शहर के अंदर जहां उन्होंने हजारों की तादाद में लाहौर से सिक्योरिटी दी हुई है और करोड़ों रुपया आम आवाम के टैक्स के पैसों का खर्च हो रहा है इनकी सिक्योरिटी के अंदर, इनकी सिक्योरिटी के ऊपर, उसके बावजूद ये हमला होता है। इंटेलिजेंस पंजाब हुकूमत की, इंतजामिया पंजाब हुकूमत की, पुलिस पंजाब हुकूमत की, हमला कहाँ होता है पंजाब हुकूमत में, तो फिर इल्जाम किसको दिया जाए। फिर उसके बाद आप ये देखें कि शौकत हानम जो इनका अपना हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट किया गया, कोई बाहर का बंदा जो है वो जा नहीं सकता है। अब ये एक ऐसे मामलात की तरफ हम बढ़ चुके हैं कि अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि जिस तरह हमारे यहाँ पर माजी के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट्स होती रही और उनका नतीजा नहीं आया, इसका भी नहीं आएगा। उसकी रीजन ये है कि आप ये देखें कि फेडरल गवर्नमेंट अगर इनकी इंक्वायरी करेगी तो ये मानेंगे नहीं। चले फेडरल गवर्नमेंट इनके, आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई, जरा हम हमारे जो दर्शक है इंडिया में उनको भी जरा बता देते हैं क्या बात कही है अभी अजीम ने। अजीम ने बताया कि जो पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है जहां पर वजीराबाद जहां हमला हुआ था, इस इलाके में जो सरकार है वो इमरान खान के सहयोगी पार्टी के
तो वहां पर जो है वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन, यानी कि आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नहीं है, दूसरे नहीं है, वो वहां पर जो है वो इमरान के करीबी है। दूसरा है कि जिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है वो भी उनका अपना अस्पताल है, जो उन्होंने अपनी मदर के नाम से खोला था, कैंसर हॉस्पिटल खोला था। बहरहाल हम बात करेंगे, हमारे साथ आफ्ताब भी जुड़े हुए हैं, कि आखिरकार जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है क्या उस पर जाना चाहिए या फिर ये सोचना चाहिए कि आखिरकार एक एक्स पीएम पर कैसे हमला हो सकता है। इमरान पर हमले को लेकर शेख राशिद ने भी बड़ा दावा किया है। शेख राशिद ने कहा है कि यह जो ज्यादा हमलावर थे वो पर्दे के पीछे छिपे हाथ थे और बेनकाब होने चाहिए जो उनके पीछे हैं, और महंगाई से ध्यान हटाने के लिए इमरान पर यह फायरिंग की गई है। 33% महंगाई बढ़ गई है, उसके ऊपर एक मकबूल तीन क्यादत को खत्म करने के लिए कल कातलाना हमला किया गया है, इतनी तेजी से वायरल की गई है उसका एतराफी बयान, हालांकि हमलावर एक नहीं एक से ज्यादा थे। ये सारी बातें आगे जाके तय होंगी, लेकिन मैं तफसीली बयान 2 बजे लाल वेले से। इसमें पंजाब हुकूमत को आप कहां तक जिम्मेदार समझते हैं, क्योंकि सारी सिक्योरिटी जो है वो पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी थी। जो बयान दिलवाया गया है उस लड़के से, क्या ये भी पुलिस और पंजाब हुकूमत पे बात नहीं आएगी? किस तरह देखिए, मैं आपकी ख्वाहिश पे खबर तो नहीं बना सकता। इसी शहर में लियाकत अली खान कत्ल हुए, इसी शहर में बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, उस वक्त भी कहा जा रहा था एक हमलावर था, बाद में पता लगा कि तीनों लोगों को एक दूसरे को नहीं पता था कि पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी। देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं जिम्मेदारी जो है उनको तहकीक करने दें, तफ्तीश करने दें, ये उनकी जिम्मेदारी है कि असल मुजरमों को और पर्दे के पीछे, चलमन के पीछे जो छुपे हुए हाथ हैं उनको बेनकाब करें। चलिए, इनका तो साफ कहना है शेख राशिद का कि इसके पर्दे के पीछे कौन है, ये बेनकाब होने चाहिए। लेकिन साथ ही इसमें हमारे साथ आफ्ताब, जिसका जिक्र शेख राशिद ने किया कि ये वही जगह है गुजरांवाला जहां पर बेनजीर हो या फिर इसके अलावा लियाकत अली हो, उन पर भी हमला हुआ था, उनकी मौत हुई थी। तो आखिरकार इस इलाके में अगर इतना खतरा है किसी एक्स मिनिस्टर्स के लिए, पीएम्स के लिए, तो फिर क्या एसओपी को फॉलो नहीं किया गया जो किसी भी एक पीएम के लिए होता है, एक्स पीएम के लिए होता है? आपने मुझसे सवाल किया? जी आफ्ताब, आपसे। यकीनन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब वतन लौटी थी तो उनपे भी इसी तरह के 18 अक्टूबर कराची में हमला हुआ, और उस हमले में यकीन मैं भी उसको कवर कर रहा था जब वो मोहतरमा बेनजीर वापस आ रही थी, तो उसमें भी इसी तरह से हमें फायरिंग की आवाज सुनाई दी है। उसके बाद जो है खुदकुश हमला हुआ, उसमें भी लगभग 100 के ज्यादा अफराद जो है शहीद हो गए, और उसके बाद जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इस्लामाबाद यानी कि पिंडी गई, तो उसके वापसी पर उसी हमला हुआ था और उनकी जो है शहादत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं तय है कि ये वाकयात होते हैं, खास जो हाई प्रोफाइल वाकयात हैं उनमें ताने बाने एक तरह से मिल तो रहे हैं, मगर ये आज की जो सिचुएशन की उसमें कुछ मुख्तलिफ यूं है कि एक शख्स जो है वो मौजूद है असली कि मैंने हमला किया है। अगर याकत अली खान की बात करेंगे, पाकिस्तान पहले वजीर आजम की, उसको भी इसी तरह जो है मारा गया था, शहीद किया गया था। फिर आ जाते हैं मोहतरमा बेनजीर को भी इसी तरह से जो है उनकी शहादत हुई थी, मगर उसके कातिल नहीं मिले। मगर ये खुशाइन बात है कि जिसने कातिल ने हमला किया है वो इस वक्त पंजाब पुलिस के पास है, तो ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मगर यहाँ पर तजाद जो है वो बड़ा अहम है कि विफाक में हुकूमत जो है वो एक इतिहादियों की है जिसमें 13 जमातें हैं, जिनके खिलाफ इमरान खान जो है लॉन्ग मार्च लेके इस्लामाबाद जा रहे थे, और पंजाब में इस वक्त हुकूमत कह सकते हैं कि वजीर आला पंजाब तो हैं, हुकूमत जो है वहां पर पीटीआई की है। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं विफाक की तरफ से तो तावन करेंगे, मगर इस पर भी सियासत होगी, क्योंकि खान साहब एक जिद्दी हैं, वो कहीं भी नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी रिपोर्ट आए जो मेरे खिलाफ हो, उस रिपोर्ट को लेके या इन्वेस्टिगेशन को लेके आवाम के बीच में जाएं और जो है एक टेम्पो बना सकें, दोबारा जो है वो इलेक्शन में जाएं और जो है कहीं अपना वोट बैंक जो है।
तो कुल मिलाकर आफ्ताब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार पाकिस्तान में जो एक्स पीएम है, क्या उनकी सिक्योरिटी को लेकर ढिलाई बढ़ती जाती है? क्योंकि जिस तरह से इमरान खान के ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि बहुत पहले से पता था कि इमरान खान इस तरह की एक मार्च को लेकर सोच रहे हैं, आगे मार्च लेकर जाएंगे, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके इस मार्च को लेकर जो एसओपीज होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जो होते हैं, अजीम, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होता है उसके तहत सब कुछ पहले से तैयार रहता है, किस तरह का प्रोटेक्शन जाना है, उस जगह को सैनिटाइज करता हुआ जाएगा, जिसको हम जानते हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसा ही होता है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि पाकिस्तान में ऐसा ही होता होगा। तो क्या वो जो एसओपीज हैं, क्या उसको फॉलो नहीं किया गया? देखिए, मैं इससे पहले भी यही बात कर रहा था कि ये तमाम चीजें हुई हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी रूट्स बकायदा पहले से डिसाइडेड होते हैं और फिर उन्हीं रूट्स के ऊपर इनको इजाजत दी जाती है कि आपने इस रूट से ही गुजरकर जाना है क्योंकि ये सिक्योर है, यहाँ पर आपके आने से पहले पुलिस ऑलरेडी मौजूद होगी, वो इस जगह का मुआयना कर चुकी होगी, यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद होगी, ये जो रूट दिया जा रहा है इसके ऊपर मुकम्मल हमारी तरफ से जो है वो सिक्योरिटी दी जाएगी, ये तमाम चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं। और अब इंटरेस्टिंग चीज यह है कि ये डिसाइड किसने किया, ये डिसाइड किया पंजाब गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट पीटीआई की अपनी गवर्नमेंट है और पंजाब गवर्नमेंट के अंदर पंजाब की जो अजीम एक चीज बता दीजिए, एक बात बताइए कि जब एक्स पीएम जा रहे हैं तो यहां पर तो इंटेलिजेंस सर्विस तो पहले से ही वहां पर होगी ना, उनको तो पता होगा क्या होना है क्या नहीं होना, एक एक चीज पे नजर रखी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, इसके अंदर तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा मिथ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट आपकी अपनी है, इंटेलिजेंस आपकी अपनी है, सिक्योरिटी आपकी अपनी है, आपने ऑलरेडी पहले से डिसाइड किया हुआ कि आपने मार्च करना है, उसके बावजूद हमला हो रहा है और हमला होने के बाद उन्हीं थाने में से जिसके अंदर आपका अपना कंट्रोल है, एक वीडियो पैगाम भी जारी हो जाता है मुजरिमान का। अब सिचुएशन ओवरऑल ये है कि आप ये देखें कि अगर वफाकी हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट कोई इंक्वायरी देती है तो कोई भी नहीं मानेगा क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है वो पीएमएलएन की और वो इनकी पॉलिटिकल राइवल है। अगर ये इंक्वायरी देते हैं तो ये खुद शौकत आलम में अपने हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, हम नहीं मानेंगे। और इंटेलिजेंस अगर देती है या एस्टैब्लिशमेंट अगर देती है तो एस्टैब्लिशमेंट पर इमरान खान पहले ही हमले कर चुके हैं और वह कह चुके हैं कि भाई ये झूठे हैं, तो ये इंक्वायरी रिपोर्ट भी हमारे मानेंगे। तो अजीम और आफताब, जिस तरह से आपने चीजों को बताया पाकिस्तान के बारे में जो वहां पर जो माहौल है, उससे एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि इमरान खान पर हमला हुआ है, नहीं होना चाहिए था, शुक्र है कि वो ठीक है, लेकिन अब जो होने जा रहा है वहां पर वो होगा, यहां पर अब राजनीति होगी और बहुत ही घमासान यहां पॉलिटिक्स होगा। पॉलिटिक्स इसलिए होगा क्योंकि पंजाब में जो हुकूमत है इस वक्त वो इमरान खान के सहयोगी है, दूसरी बात है जो फेडरल गवर्नमेंट यानी जो नेशनल गवर्नमेंट है वो इमरान खान के खिलाफ वाले यानी कि पीएमएल है। तो ऐसे में अब जो कुछ भी होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स होने जा रही है। अब यह देखना है कि पाकिस्तान में हालात कैसे रहते हैं, क्या वहां पर सिविल वॉर को लेकर कोई सुगबुहाट जो उठ रही है क्या उसको वहां की गवर्नमेंट दबा पाएगी, और इसमें आर्मी का क्या रोल होगा, यह भी देखने वाला रहने वाला है। अजीम और आफ्ताब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।